हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेलकम टू अन एकेडमी। हाय जितेंद्र, हाय एवरीवन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन एकेडमी। तमे वेट करिबा अनदर 1 मिनिट, तापर हमें स्टार्ट करिबा। हाय विकास, हाय प्रियव्रत, हाय देवज्योति, हाय संग्राम। हाय अरुंधति। हाय ललाट, हाय विश्वकर्मा, हाय ज्योतिर्मयी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एवरीवन नो दैट आमर ओपीएससी रा सब्सक्रिप्शन, अन एकेडमी रा सब्सक्रिप्शन जो तमे करी परिबो, तो एथिरे आमर सब गवर्नमेंट रा एग्जाम गुडा को गोटे प्लेटफॉर्म रे होउची। तो एथिरे आमर डिफरेंट एजुकेटर अच्छा, तो डिफरेंट कैटेगरी एजुकेटर अच्छा। तुम्हें ये जीएस फैकल्टी पाइपर, सी सैट्र फैकल्टी पाइपर, सी टी बी डी, ओ डबल एस सी, आउ तो डिफरेंट एस एस सी सब एग्जाम तुम्हें गोटे प्लाटफर्म ये तुम्हें कौन कर ना वीडियो पाइपर। ओके, तो समस्त वीडियो लेक्चर तुम्हें पाइपर। तो डिफरेंट सब्जेक्ट तुम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्टीट्यूड है, तो सबुतिर स्टेट स्पेसिफिक एनी सब्जेक्ट तुम्हें गोटे प्लाटफर्म पाइपर। तो ये आम कौन हो ना ओएस मेन कंपलसरी पेपर होएस मेन ऑप्शनल पेपर होसीएस मेन पेपर होएसओ कोर्स होएमसी कोर्स भी लॉन्च हो। तो ये जो ओसीएस जो फाउंडेशन कोर्स कालीठ लॉन्च हो सरी 25th रु, तो जोटा कि 2021 जो प्रिलिम परीक्षा हे फाउंडेशन कोर्स, तो पूरा टोटल कम्प्लीटली से कवर करेंगे रिलेटेड टू ओसीएस। ओके, तो ये आम डिफरेंट एजुकेटर भी क्लास ने, तेणु तुम जॉइन करें कर। ओके, तो ये तुम लाइव क्लास रोचे तुम टेस्ट सीरीज रोच, ओके क्विज रोच, डाउट क्लीयरिंग क्लास रोच तुम। ओके, तो ये तुम हूँ कौन ना टॉप एजुकेटर मैंने पढ़ाऊँ। ओके,
तो ये जो डिफरेंट सब्सक्रिप्शन अच्छी तो तुम थ्री वन मंथ अच्छी थ्री मंथ सिक्स मंथ ट्वेल्व मंथ आउ 24 मंथ अच्छी तो ये नो कॉस्ट ईएमआई अच्छी माने तुम जदि से जो 12 मंथ आउ 24 मंथ पे नब कि 6 मंथ पे नब तो ईएमआई ऑप्शन रे नहीं पार माने डिवाइडेड बाय सपोज तुम 12 मंथ रो नेलो आउ मो कोड यूज कल मो कोड हूँ कौन ना जो डीकेआर एल आई वी तो यूट्यूब कोड यहाँ आमर तो डीकेआर लाइव तुम जदि यूज कर तुमको इमीडिएटली 10% डिस्काउंट मिल ओके तो जो मैंने एक्चुअली तुम एक्जिस्टिंग ऑलरेडी नहीं चो जदि तुम अप्लाई कर हेनी तेणु तुम कौन कर ना यू कैन मैंने तुम गोटे आउ गोटे जो जो मैंने बिल्कुल नहीं ना कि तुम नुआ नवाक चाहू ओके कि नुआ आउ थे नवाक चाहू अकाउंट रू तेणु तुम ये कोड यूज कले तुमको 10% डिस्काउंट इमीडिएटली मिल ओके ता छड़ा तुम मैंने सपोज यहाँ आम होते 5800 6300 प्लस तुम कि पॉइंट्स अच्छी से गुड़ाक रिडीम कला 5800 बाय 12 हेले तुम 480-490 पाखापाखि पड़ो तो मंथली पड़ू से तुम मंथली एमती आट ए टाइम न देक भी मंथली ईएमआई ऑप्शन रे दे पार ओके तो सिमिलर तुम हूँ 24 मंथ पर आ गोटे कथा हो पाकर बहुत कन्फ्यूजन हो सपोज तुम सब्सक्रिप्शन कर वन ईयर पर तो जिते तुम जहाँ भी जो कोर्स तुम एनरोल कर तो से जो कोर्स गुड़ाक तुम कौन कर एनरोल कोर्स गुड़ाक तुम जो कर सब तुम आकाउंट रहा तो एनी टाइम कौन करना केत तुम देखिपर ओके तो गोटे टाइम मैंने तुम सब्सक्रिप्शन कले थ्रो आउट ईयर जाए तुम से आकाउंट रहा ओके तो जिते जन कर ना कि मोर केवल सब्सक्रिप्शन कर मोर केवल देखिपर ना जिते जन प्लाटफर्म पढ़ाऊँ कौन सी सब्जेक्ट कौन सी एजुकेटर मानक तुम्हें अनलिमिटेड एक्सेस वीडियो पीडीएफ रमें कौन कर ना देखिपर ताको ओके तो नेक्स्ट हूँ कौन ना ये तुम लाइव क्लास रही जदि किए आम लाइव क्लास मिस करगला रेकर्डेड वीडियो तुम देखिपर ओके तो ये आम ओपीएससी सब्सक्रिप्शन उपरे तो आम बर्तमान डिस्कसन करवा कौन तेणु आ भितर तुम केतेज आम अलमोस्ट आई थिंक समस्ते प्राय तुम ओपीएससी विषय जाणी थी ओके तो समस्ते ओपीएससी केमती कौन परीक्षा होमर प्रिलिम होपर आम प्रिलिम जो मैंने पास करेंगे से मैंने मेन को जी मेन जो मैंने क्वाफाए करेंगे से मैंने इंटरव्यू देते तीन टा फेज हो तो आम मोस्ट प्रोबेबली आम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू रु तुम कौन कौन पढ़व एक्चुअली प्रिलिम मेन आउ इंटरव्यू पर आम से डिस्कसन करवा देख प्रिलिम आउ तुम प्रिलिम मेन आउ इंटरव्यू जो इंटरव्यू कथा तो छाड़ से पचारिपारे तो प्रिलिम आउ जो मेन कथा जी देख तुम कौ कौ सेक्शन गुड़ाक पढ़ुचे ना आमर जो डिफरेन्ट आमर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रहा तो जमीक आम 1858 रहा कि 1909 रहा जोटा को आम मल्लेमिंटो रिफॉर्म बोली कहचे कि मॉन्टेगु चेल्सफॉर्म रिफॉर्म 1919 रहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 ये पांचटा रु सबूत आमर कौन हो ना मेन रे आरी भितर क्वेश्चन पड़ू तुम देखिपार 2017 मल्लेमिंटो पड़ता यहाँ भी आम 2016 पड़ता आमर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 पड़ता 2015 मॉन्टेगु चेल्सफॉर्म पड़ता 2011 आम इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लास्ट ईयर भी आम क्वेश्चन पड़ता 2018 तेणु तुम यू गेस करपरजे आमर कौन हो ना प्रिलिम रे आमर आक्ट गुड़ाक पड़ू ता छड़ा आमर कौन हो तुम मेन रे तुम देखे आम कौन हो तुम जो गांधीयन मूवमेंट गुड़ाक रहा प्लस जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट आम फ्रीडम स्ट्रगल होता से गुड़ाक पड़ू तो इम्पोर्टेंट मूवमेंट कह आम कहे स्वदेशी मूवमेंट होगा आम कहे नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट होगा क्विट इंडिया मूवमेंट होगा सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट होगा तो एमती आम चार पांचटा मूवमेंट पड़ू आमर यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गोटे पड़ू ता छड़ा हूँ आम कौन ना तुम जो इम्पोर्टेंट जमीक ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी गोटे होगा तो हिस्ट्री में जो जो गुटा इम्पोर्टेंट टॉपिक अच्छी तो से गुड़ाक आम देखा जो कौन कौन कौ कौ सेक्शन में आम क्वेश्चन आसूँ ओके ता बाद आम कौन करवा ना आमर जो प्लस कोर्स जो मैंने जॉइन करेंगे कि आम जो फाउंडेशन कोर्स आम पूरा बेसिक रु स्टार्ट करी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा कॉन्सेप्ट डिस्कशन करवा प्लस आम कौन हम
ना साइमल्टेनियसली आम प्रिलिम रो जो जो क्वेश्चन गुड़ाक पड़ी प्लस मेन रो जो जो क्वेश्चन गुड़ाक पड़ी तो से गुड़ाक आम डिस्कसन करवा तो जेहेतु यहाँ गोटे माराथन क्लास तो सब तो कभर करवा डिफिकल्ट किंतु आम कौन करवा जेहेतु जो गुड़ा क्वेश्चन कौन आम परीक्षा पड़ू तो से ही रिलेटेड केतटा क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा आउ कौन कौन प्रिलिम रे तार रिलेटेड कौन कौन क्वेश्चन पड़ू मेन रे कौन तार रिलेटेड क्वेश्चन पड़ू आम डिस्कसन करवा ओके तो फास्ट आम कौन करवा ना आनालाइज करवा गोटे फास्ट है जे क्रिटिकली आनालाइज मॉडलम इनटू रिफॉर्म जोटा कि आमर ओपीएससी 2017 टेन मार्क्स क्वेश्चन पड़ी था तो आउपर आम लिखा टेन मार्क क्वेश्चन पड़ी था 2017 लास्ट टाइम पढ़ी तेणु ए वर्ष आम पढ़वार बहुत चान्स अच्छी ओके तो मॉडलम इनटू रिफॉर्म कौन कौन इंपोर्टेंट सब पॉइंट्स होता तो तुम कमेंट सेक्शन में गोटे गोटे पॉइंट कह मॉडलम इनटू रिफॉर्म आम के फास्ट तो मॉडलम इनटू रिफॉर्म आम के कौन कौन तार इम्पोर्टेंट पॉइंट आम रमे कमेंट सेक्शन रे जो मेंशन कर पार जो कौन कौन आम मॉडलम इनटू रिफॉर्म जोटा कि आम कहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 बोली भी कहा जाए तो ये आम कौन कौन पॉइंट्स लिखा 10 मार्क्स रो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में तुम्हें मेंशन कर पार ओके वेरी गुड ललाट 1909 बोली कहा जाए फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्ट्रोड ओके तापर आमर बैकड्रॉप ऑफ बंगाल डिवीजन रो ये रही मुस्लिम मान को सेपरेट इलेक्ट्रोड दिया जाए थिला अरुंधती आमर एटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 कहा जाए 1919 नुहे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ओके 116 नुह 160 ओके इनक्रीज द साइज ऑफ आमर लेजिस्लेटिव काउंसिल वेरी गुड संदीप तेणु तुम जो मैंने नुआ पिला तुम बिल्कुल ओपीएससी रे को भलिया क्वेश्चन आसेनी तुम ए भलिया क्वेश्चन आसीबो आ ताको केमिति लेखिबो ओके ओके देख आम कौन कौन आमर तुम्हें मेंशन कर पार देख गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आमर यटा को मॉडलम इनटू रिफॉर्म को आमर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 बोली कहा जाए तो यहाँ को मॉडलम इनटू रिफॉर्म बोली भी कहा जाए मल्ले जा ना प्रथम आसब सपोज मल्ले ना प्रथम आसला सी हो जाए सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मिंटो जी कि पर आसबे मानने जार ना पर अच्छी सी होमर कौन ना भाइस रॉय तुम्हें जान मॉडलम इनटू जो भाइस रॉय आउ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट आम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 स्टार्ट होता जो गोटे आमर ईस्ट इंडिया कंपनी को आबोलीश कराई कि क्राउन रूल स्टार्ट कराब से आम कौन कहब ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जी थे भाइस रॉय ऑफ इंडिया कह इंडिया टोटल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने गोटे जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गठन करा जीवो जी कि आम लंडन में बसु थे तो से ही अनुसार सेबेठू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 रु आम सॉरी 1858 रु आम जो भाइस रॉय आउ सेक्रेटरी आम रे ओके तो ये कौन हम ना लॉर्ड आम भाइस रॉय हो लॉर्ड मिंटो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हो जॉन मॉल्लेव
ओके तो ये कौन हम ना ये आम मेन काम है जे जो मुसलमान मानक आम मॉडरेट आ मुसलमान मानक पट को जो अट्रैक्ट करने डिफरेंट आम रिफॉर्म करा को मल्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाए और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाए। ये कौन हम ना प्रथम हम जे आम जो वायसराय जो प्रथम आम कौन हम ना दीटा काउनसिल गोटे आम सेन्टर गोटे थी आ गए प्रोभीन्स तो प्रोभीन्स कौन हम ना नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी रहिबो। नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी माने कौन ना इंडियन लोक माने एथिरे हमर अधिक संख्या रे रहिबे देन यूरोपियन जो ऑफिशियल मेंबर माने कौन ना जो माने ब्रिटिश रो ऑफिशियल रहिबे गवर्नमेंट रो लोक रहिबे ताको हमें कहबा ऑफिशियल मेंबर आ जदि इंडियन लोक रहिबे हमें ताको कहबा नॉन ऑफिशियल मेंबर। तो इंडियन माने हमर जोटा दीटा हमर हाउस थिबो गोटे हमर जे इंडियन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल गोटे थी जोटा कि सेंटर रे आ गए प्रोभीनसील लेजिस्लेटिव काउंसिल जोटा कि आम कह प्रोभीन्स और आजिका डेट रे स्टेट तो स्टेट रे आमर कौन हम इंडियन लोक मानक अधिक दिजिव आउ सेंटर रे ऑफिशियल मेजॉरिटी रहिबो ब्रिटिश लोक मैंने अधिक रे ओके तापर कौन हम ना इंडियन वेयर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ वेरियस लेजिस्लेटिव काउंसिल ओके। नेक्स्ट हूँ जे फास्ट इंपोर्टेंट कथा हूँ जैसे फर्स्ट टाइम पर इंट्रोड्यूस करा गोटे सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टू फॉर द मुस्लिम बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट माने कौन गोटे पर्टिकुलर एरिया रे मुसलमान कैंडिडेट जने ठिया हबो आउ से एरिया रे जिते लोक थे केवल मुसलमान लोक ही भोट देवे। फॉर एग्जांपल मु कहबी भुवनेश्वर कथा कहबी तो भुवनेश्वर को जदि सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम दिजिव तो जिते एरिया इतने हिंदू रोचान क्रिश्चियन रोचान सिख रोचान समस्ते रोचान किंतु से ही पर्टिकुलर एरिया केवल मुसलमान कैंडिडेट ठिया हे आते भी लोक अच्छा सबू लोक भोट देवेनि केवल मुसलिम लोक मैंने भोट देवे ते ए कौन कहला गोटे पूरा जो गोटे एरिया फिक्स कराईगला मुसलिम मानी तेणु आमर कम्युनालाइज जो आम सेपरेट इलेक्टोरेट दे कि मुसलमान मानक कम्युनालाइजेशन स्टार्ट है रिलीजन लाइन रे आम सोसाइटी को डिवाइड करने स्टार्ट कले ओके। तो फर्स्ट टाइम पे आम जो इंट्रोड्यूस है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट तो अंडर दिस कौन हम ना मुसलमान मेंबर टू बी इलेक्टेड बाय द मुसलमान वोटर्स तो दस द एक्ट इज लीगलाइज द कम्युनालिज्म। तो एबेठू आम कम्युनालिज्म को लीगलाइज कराई तुम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जीव से देखिए आम कौन ना मुसलमान पर आम क्रिश्चियन मान को दिजिव आंग्लो इंडियन आउ यूरोपियन मान को दिजिव ओके। तो आमर सिख मान को दिजिव तो ये जो डिफरेंट कैटेगरी को रिलीजन लाइन में धीरे धीरे से बांटा को सोसाइटी को ट्राए करेंगे जोटा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिप्रेस क्लास आउ वोमेन मान को दिजिव तेणु जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 रु जेहेतु आम सेपरेट इलेक्टोरेट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता मुसलमान मानक फास्ट दिया से आम लॉर्ड मिंटो को आम कहुए फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट एटा मन रखिब फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट कहा कहुए लॉर्ड मिंटो को आम कहुए तापर आम कहले द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जोटा कि आम कहले सेंटर रोला तो हेटा 16टा थी हेटा आमर 60 को बढ़ाई सिमिलरली आमर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इनक्रीज हे तेणु आमर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 16 रु 60 हे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल आमर सब इनक्रीज तो नंबर हम किंतु केते डिफरेंट प्रोविंस रे आमर डिफरेंट नंबर आमर इनक्रीज हे ओके। तो प्रोविंशियल काउंसिल नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी वाज इंट्रोड्यूस बट सम सिंस दीज नॉन ऑफिशियली आर नॉमिनेटेड नॉट इलेक्टेड सो ओवरऑल आमर इलेक्टेड मेजॉरिटी रिमेन ओके। तमर कौन हम ना तमर ओके यस शुभेंदु। तो नेक्स्ट हूँ जे आम कौन ना ये आम जो आगुरु तांकर माने पावर टाइम बढ़े दिजिव आगुरु से कौन करते ना लेजिस्लेटिव काउंसिल से कौन करुले ना जे केवल पार्टिसिपेट करुले बजेट उपरे से माने क्वेश्चन पचारि परिबे नि रिजोल्यूशन पास करि परिबे नि किंतु वर्तमान कौन करिबे ना दे कैन आस्क द सप्लीमेंटरी क्वेश्चन ओके। तो सप्लीमेंटरी क्वेश्चन से माने पचारि परिबे रिजोल्यूशन मूव करि परिबे ऑन बजेट एंड सो ऑन तेणु लेजिस्लेटिव काउंसिल आउ जो प्रोविंशियल काउंसिल से माने कौन कराला ना
दिजन जाकर पावर टा बढ़े दिगला जहाँ जहाँ पावर थिला सो इट एनलार्ज द डेलीबरेट फंक्शन अफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ लेवल सेंटर आउ प्रोविंस लेवल से मानकर पावर टा बढ़े दिगला ओके तो फास्ट टाइम पे आमर कौन है ना वाइसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल आम कहले तो वाइसराय आमर जो थिले जे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पर वाइसराय को हबो तो से वाइसराय का गोटे एग्जीक्यूटिव काउंसिल थिला तो से एग्जीक्यूटिव काउंसिल ले आमर कौन हबो ना फास्ट टाइम पे जने इंडियन को एसोसिएट करा जिवो तेणु से किए हे जिबे ना सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा तो एसपी सिन्हा बिकम द फास्ट इंडियन टू जॉइन द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एटा मन रखिबो ए क्वेश्चन आमर पडिथला यूपीएससी प्रीलिम रे तो आमर वाइसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे प्रथम इंडियन के की जॉइन करथिले तो तांको ना कोन ना सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा तो एटा आमर कोन ना एथिरे तमरो तो एथिरे आमर कोन होची ना तमरो फास्ट इंडियन जन जो जॉइन करथिबे आ सी लॉ मिनिस्टर हिसाब रे जॉइन करथिबे नेक्स्ट हबो कोन ना इट इज आल्सो प्रोवाइडेड द सेपरेट प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रेसिडेंसी कोऑपरेशन चैंबर ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी एंड जमीदार्स ओके तो इतिके हमरा प्रोविजन थिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 रे ओके तो मुझे जदि सम अप करी कौन कौन आम ए पॉइंट रहा तुम्हें कहींपर जे जे आम बोथ प्रोविंस आउ सेंटर कौन हम ना इलेक्ट जो मेम्बर संख्या बढ़े ओके तो नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन इंपेरियल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इनक्रीज बट आम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी आम रहा ओके तापर आमर कौन हम ना सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम दिया दिज्व तो ये लीगलाइज द कम्युनालिज्म स्टार्ट हो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट क्या कहब लॉर्ड मिंटो को कहब तापर हूँ जे लेजिस्लेचर कैन पास रिजोल्यूशन आस्क क्वेश्चन सप्लीमेंटरी वोट सेपरेट आइटम ऑन बजेट तापर हूँ जे वन इंडियन टू बी एसोसिएटेड इन द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल आम डिस्कसन कले किए ना सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा तो एम्ड एट डिवाइडिंग द नेशनलिस्ट रैंक तो ये कौन हम ना जेनेली तुम देख मॉडरेट मुसलमान मानक सेपरेट इलेक्टोरेट देखिए पट को नहीं गले तुम देख जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आसीला केबे आसीला ना 1909 जिते आसी तार बैकड्रप कौन होता ना बेंगल पार्टीशन होता बेंगल पार्टीशन को से तुम जदि किसी जाणी थो जो मैंने अलरेडी पढ़ीच हिस्ट्री तुम जान जो बेंगल पार्टीशन को से कहे कज ना बेंगल इज टू बिग टू एडमिनिस्ट्रेशन आम कौन करजी एडमिनिस्ट्रेशन बेंगल को डिवाइड करुच्छ ईस्ट बेंगल वेस्ट बेंगल किंतु रियल इंटेंशन कौन थी ना टू डिवाइड द हिंदू मुस्लिम ग्रोथ ओके तो कारण बेंगल इज द नॉर्थ सेंटर ऑफ द नेशनलिज्म थी तो से चाहूबे जे बेंगल ले कौन करवा ना आम जदि आम डिवाइड करदे अंदर बेसिस ऑफ रिलीजन ताल भितर आउ यूनिटी रही ओके तो से मॉडरेट आ मुस्लिम मानक पटक नापी आउ यूनिटा को ब्रेक करने सी जाणी शुणी के मल्लमेंटो रिफॉर्म सब प्रोविजन गुड़ाक रखी थे ओके तो तेणु तुम कनक्लूजन कौन कर लिख ना फाइनाली यहाँ कौन पे ना चेकिंग द ग्रोथ ऑफ यूनिटी अमंग द इंडियंस थ्रो वेरियस ऑफ ऑब्नोसियस इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट तो सेपरेट इलेक्टोरेट देखिए आम भितर जो यूनिटा थी ब्रेक कले तापर हूँ से मॉडरेट आ मुस्लिम मानक से पट को लेकिन आम नेशनलिज्म जो अवेयरनेस क्रिएट होता से बंद करा ट्राए करेंगे तो कौन आम मागी एक्चुअली आम मागी आमको दरकार सेल्फ गवर्नमेंट स्वराज गोटे डिमांड होता तुम जान 1906 जो दादा भाई नारोजी थे से स्वराज डिमांड करेंगे सेल्फ गवर्नमेंट आम डिमांड करु आमको किसी भी मिलवनी सो वी हाव डिमांडेड सेल्फ गवर्नमेंट बट व्हाट दे वर गिवन वाज द बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म ओके तो आम कौन करते व्हाट रिफॉर्म 1909 जोटा कि आईला इन द कंट्री वाज ए शैडो रादर देन सब्सटेंस किसी भी तुम कह से आमको किसी भी एमती गोटे इम्पोर्टेंट पावर आम पाखक दे नथिले ओके तो यहाँ है तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 ओके जोटा कि आम कह मल्लमिंटो रिफॉर्म बोली ओके तो तुम्हें ऑलरेडी आम पिला आंसर लिखिं भी तुम लिखिपर जे आम मल्लमिंटो रिफॉर्म कौन होता ओके सो आई कैन शो यू
तो परीक्षा लिखला बेले तुम एमती मल्ले मिंटो रिफर्म लिखिपर जे आम मल्ले मिंटो रिफर्म और इंडियन काउंसिल आक्ट 1909 वाज पास्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1909 टू प्लाकेट द डिमांड ऑफ मॉडरेट आउ मुस्लिम द आइडिया वाज टू गिव मोर पावर टू लोकल इन द लेजिस्लेटिव अफेयर। तो ये तुम कौन कौन साइलेंट फीचर लिखिपर जे सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम फर्स्ट टाइम दिगला ओके ऑफिशियल मेजॉरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी इन द प्रोविंशियल काउंसिल आम डिस्कशन कले ओके आमर इनडायरेक्ट इलेक्शन कथा आमर है इलेक्शन टा इनडायरेक्ट है साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इनक्रीज बोथ आर द सेंटर एंड प्रोविंस ओके तुम इंडियंस इन द वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम किए हेले ना सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो तापर आमर टोटल कौन हला ना एनलार्ज द लेजिस्लेटिव पावर आट बोथ लेवल पास जो आमर जो लेजिस्लेटिव जो मैंने रहिले से मानक पावर टाक आमर मैंने बढ़े दिगला दे क्यान आक्स क्वेश्चन अल्सो एंड वोट ऑन द बजेट तेणु जो मैंने ये आंसर जी लिखिंट ओके वेरी गुड आंसर मुझे कहि वेरी गुड आंसर से मैंने लिखिं टू द पॉइंट ओके विथ डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। तो परीक्षा तुम डेफिनेटली भाया आंसर लिख ओके तो जो मैंने आंसर आमर लिखुच भी आमर टेस्ट रे मॉक टेस्ट रे भी जो मैंने आंसर लिखुच बहुत बढ़िया आंसर लिखुच ओके तो मुझे कहि डेफिनेटली भाया लिखले तुमको 10 रु कहीं भी 8 रु 9 रु कम काटिपारे ओके तापर क्रिटिकली एनालिसिस कले कौन कौन ये रिफर्म होता द रिफर्म अफर्ड नो आंसर टू द इंडियन पॉलिटिकल प्रॉब्लम ओनली ए फेस सेविंग डिवाइस आम कह तो रिफर्म ऑफ द काउंसिल नो रियल पावर दिगला मल्ले जो कौन हो मियरली आमर गोटे एडवाइजरी बॉडी रही सेपरेट इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोड्स टू मुस्लिम आमको दिगला तो इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग मुस्लिम माइनॉरिटी रियल इंटेंशन कौन थी ना डिवाइड द हिंदू मुस्लिम यूनिटी ओके मेंटेन ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया तब लेड टू द ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म। तुम देखिए धीरे धीरे यहाँ बढ़ी आम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 जो 19 यहाँ आम धीरे धीरे बढ़ आमर सिख मान को दिजो आंग्लो इंडियन मान को दिजो क्रिश्चियन मान को दिजो ओके सो ये आम इनडायरेक्ट इलेक्शन टा ओके टू इनडायरेक्ट इलेक्शन सो न्यारो फ्रेंचाइज ये ओके पोजिशन अफ द गवर्नर ओके द पोजिशन अफ द गवर्नर जेनेल रिमेन अनचेंज हिज भिटो पावर रिमेन अनडाइल्यूटेड सो नो रेस्पन्सिबिलिटी कन्सीडर्ड अन् द पार्लियामेंटरी फर्म सो लेड टू इरेस्पन्सिबल क्रिटिसाइजिंग अफ द गवर्नमेंट नो कनेक्शन बिटवीन भोटर एंड हिज लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेटिव। तुम एमती लिखिपर तो रियल पर्पोज कौन थी तो ये गवर्नमेंट अफ इंडिया आक्ट जो इंडियन काउंसिल आक्ट 1909 आणवे ना टू कन्फ्यूज द मॉडरेट डिवाइड द नेशनलिस्ट रैंक मॉडरेट आउ एक्सट्रीमिस्ट मानक भितर डिवाइड करने हिंदू आउ मुस्लिम मानक भितर डिवाइड करने ये आमर गोटे चाल थिला ब्रिटिश मानकर ओके तो यहाँ गोटे आम चाल थिला ब्रिटिश गवर्नमेंट रो सो चेक द ग्रोथ ऑफ यूनिटी अमंग इंडियंस द रिफॉर्म वेयर शैडो रादर दैन सब्सटेंस द पीपुल डिमांडेड सेल्फ गवर्नमेंट बट रिसीव्ड बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म ओके नेवर द लेस मल्ले मिंटो रिफर्म हार्ड सम मेरीट अल्सो कौन ना फास्ट टाइम पाई आमर इलेक्टेड इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन रिकग्नाइज इलेक्टिव प्रिंसिपल एज द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम तापर आमर कौन ना एवेन्यू टू द इंडियन टू वेंटिलेज द ग्रीवियंस आमर क्रिटिसाइज द एग्जीक्यूटिव मेक सजेसन फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एनलार्जमेंट ऑफ द लेजिस्लेचर फर्दर द डिमांड टू कंप्लीट द इंडिजिनाइजेशन ऑफ लेजिस्लेचर ओके तो ये जिनस गुड़ा लिख कनक्लूजन में तुम कौन लिख अल्दो मल्ले मिंटो रिफर्म मार्क एंड इंपोर्टेंट स्टेज इन द ग्रोथ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन इट इज बेसिकली सबटाइल अटेम्प्ट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू क्रिएट ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी इन द इंडिया ओके तो ये तुम लिख बहुत बढ़िया आंसर मुझे कह या लिखाई ओके तेणु जो गुड़ाक भी तुम कह सब पॉइंट ये कवर कराई पॉजिटिव कौन एथिरे नेगेटिव कौन 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 आमर आनालीसीस जेहेतु क्वेश्चन डिमांड थी जे क्रिटिकली आनालीसीस तेणु तार पॉजिटिव जो तुम्हें पॉइंट्स लिखा सहित तार पॉजिटिव कौन थी नेगेटिव कौन थी सब पॉइंट लिखिकी तुम कंक्लूजन कर वेरी गुड आंसर ओके तापर आम नेक्स्ट क्वेश्चन आम डिस्कशन करवा नेक्स्ट क्वेश्चन हो तुम डिस्कस द
साइलेंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 तो 1858 रा जो हमरा पढ़ी थला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रा ऑलरेडी पढ़ी थला 2015 एक क्वेश्चन रा पढ़ी थला 10 मार्क्स रा क्वेश्चन तो कौन कौन इम्पोर्टेंट पॉइंट तमें थला ना तुम्हें यहाँ टी आज सर्ट कर ओके तुम्हें टी सर्ट कर कि क्रिटिकाली एनालिसिस माने तुम्हें से साइलेंट फीचर लिख से पॉजिटिव कौन नेगेटिव कौन सब तुम लिख से ओके तो बोथ लिख क्रिटिकाली एनालिसिस माने से तुम्हें कौन एनालिसिस कर पॉजिटिव पॉइंट कौन थी नेगेटिव पॉइंट कौन थी ओके वेरी गुड ललाट गवर्नर जनरल को भाइस रॉय कहगला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कौन कौन थिला किए हमारा फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी इज अबोलिस्ट वेरी गुड डुआल गवर्नमेंट संदीप हमारा रहिला ना अबोलिश हेला जे तुम्हें आगे किसी पॉइंट्स कह ताकू फाइनाली मु सम अप करी ओके वेरी गुड ललाट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल आमर को जो डिलीट कराईगला यस चिरंजीत आमर ब्रिटिश क्राउन आमर टेक ओवर करिव ओके तो कंपनी रूल आमर एठी बंद हबो आउ क्राउन रूल स्टार्ट हबो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज अबोलिस्ट वेरी गुड पीट इंडिया एक्ट डॉक्ट्रिन ऑफ लैफ ओके अबोलिस ओके काउंसिल ऑफ इंडिया हैज 15 मेंबर 8 अपॉइंटेड बाय क्राउन 7 इलेक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ओके ओके नॉलेज करेक्ट लॉर्ड कैनिंग हिज बे हमरा फास्ट वाइसराय वेरी गुड डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द क्राउन थ्रो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया काउंसिल ऑफ इंडिया वाज ए एडवाइजरी बॉडी विद द सेक्रेटरी एज इट्स चेयरमैन वेरी गुड वाइसराय इज असिस्टेड बाय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ओके देख इधर कौन कौन तुम पॉइंट तुम्हें लिखिबो हमें डिस्कशन करिबा समस्त आंसर ठीक अच्छे ओके तो प्रथम तुम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तो सिग्निफिकेंट एटा हूँ आमर द बैकड्रॉप रे कौन होता ना तुम सिपाही मीटिंग होता जोटा कि आम कहे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस अकॉर्डिंग टू बीडी सावरकर ओके तो सिग्निफिकेंट एक्ट द आर बैकग्राउंड रे आमर रिवोल्ट ऑफ 1857 आसला तो से रिवोल्ट पर इमीडिएटली कौन है ना एडमिनिस्ट्रेशन रे चेंजेस आने पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आना होता तो यहाँ को एक्ट ऑफ द गुड गवर्नमेंट बोली कह जाए तो कौन ना मैक्सिमम ये कंट्रोल मैंने कौन करेंगे ना ब्रिटिश एक्चुअली कंट्रोल कर एबू डायरेक्टली कंट्रोल कर किए ना ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करके okay? तेणु ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कंट्रोल कर पूर्व जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अबोलिश कराइब टोटाल बर्तमान पावर जहाँ भी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट जो इंडिया रे जहाँ भी पावर थी ईस्ट इंडिया कंपनी सब ट्रांसफर हो आमर ब्रिटिश क्राउन को स्टार जो ट्रांसफर हो तेणु ये कौन कह ना कंपनी एंडटा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी कंपनी एंडटा कंपनी रूलटा एंड हो क्राउन रूल स्टार्ट होला ओके तो फास्ट कथा ये कौन हम ना आम पॉइंट्स गुड़ाक तुम जो कह सेम पॉइंट्स लिखाई मुझे तुमको वन बाय वन कहूँ सो दिस
This significant act enacted in the wake of revolt of 1857 and also known as the first war of independence or Sipahi mutiny. The act is also known as act of tame pura sentence lekhibani. Okay, tame lekhibo je government mu tamku eta jo bujhiya pai kahuchi tame parikha re lekhila bale kebal bullet point re lekhibo je ta this is government of india act 1858 came in the backdrop of revolt of 1857. Okay, it also called as act of good government of india. Next point which is it is abolish the East India Company and transfer the power of the government territory and revenue to the British Crown. Okay, tapare kon likhibo na hence the feature ethre kon kon important amara jehetu pacharchi silent feature pacharchi kon kon then kon kon amara important point thila ame discussion kariba to amara first point kon na company rule end and crown rule start he gala all the power of the government territory revenue amara British Crown hatu palela it is provided that इंडिया हेन्सफोर्थ वाज गवर्न बाय एंड इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी तो एबेठ आमर ब्रिटिश कंट्रोल कर डायरेक्टली इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन को तो फर्स्ट टाइम ये कौन हम ना जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थिला नेम आगुरु थिला तो ताकू चेंज करके आम वाइसराय ऑफ इंडिया कहब तेणु आमर जदि कह अकॉर्डिंग टू आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो आम कह लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए ना लॉर्ड कैनिंग हो तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो कि फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जदि कह तो आमर किए हे ना लॉर्ड कैनिंग तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एबेठ आम वाइसराय कह लॉर्ड कैनिंग होमर फर्स्ट वाइसराय आउ जो वाइसराय रे इज डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आम ब्रिटिश क्राउन तो लॉर्ड कैनिंग आमर हो फर्स्ट वाइसराय ओके ये आमर डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स ओके तो तापर तुम कह जो डुआल गवर्नमेंट थी तुम्हें कहबजे आमर सब्सिडरी आलीयस जो थी सबूक एंड करदेव ओके ब्रिटेन कहबजे आउ फर्दर आम कौन करूँ ना अनेक्सेसन करूँ ता पूर्व तुम जानी लॉर्ड डेलॉर्ज के समय आमर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आसी जो थी कि संबलपुर सतारा नागपुर ओके झांसी एगुड़ा अनेक्सेसन कराई किंतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पर से कौन करेंगे ना कहे फर्दर आम एबू कौन करूँ ना अनेक्सेसन आबुन तेणु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पर इंडिया मैपटा जो गुड़ाक आम प्रोविंस अंडर में थिला जमी सेमती रहीबर से फर्दर अनेक्सेसन किसी करें ओके तो यही आम कौन आउ कौन कौन इम्पोर्टेंट थिला ना इट एंडेड द सिस्टम ऑफ द डुआल गवर्नमेंट बाय एबोलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल आमर के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तुम जान से 1700 आमर जो रेगुलेटिंग एक्ट आमर 1770 जो फोर रे कि थर्ड जो 73 रे आमर आसी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तापर पीट इंडिया एक्ट रे आसीबो बोर्ड ऑफ कंट्रोल तेणु ये जो डुआल गवर्नमेंट थी आगुरु जे दीज आम कंट्रोल करुले बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से आबोलिश कराईगला से कौन है ना हटे दिगला सो इट इज एंडेड द सिस्टम ऑफ डुआल गवर्नमेंट बाय एबोलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल आउ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नेक्स्ट हूँ इट इज क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया ओके एंड वेस्टेड विथ द कंप्लीटली अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ मन रखिए ओके कहीं परीक्षा आमर पड़ा जो ओपीएससी प्रीलिम भी पड़ा तुम मन रखिए ओके तो फर्स्ट टाइम पर आम कौन हम ना इंडिया को कंट्रोल करने टोटल अथॉरिटी आउ जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोलटा सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया को दिगला ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया कौन ना जड़े ब्रिटिश रो जो कैबिनेट रे जड़े मिनिस्टर जमीक आम अच्छा होम मिनिस्टर आम फिनेंस मिनिस्टर सेमी ये जड़े मिनिस्टर जहाँ रोल हूँ टैग हूँ कौन ना सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया तो इंडिया कारण डिफरेंट कॉलोनी थिला इंडिया थिला डिफरेंट आफ्रिकार कॉलोनी थिला अन्य एशियन कॉलोनी गुड़ाक थिला तो इंडिया रे कथा बुझापी जड़े मिनिस्टर रोला कहब सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया ओके तो ये ऑफिसटा कौटी रोला ना पार्लियामेंट से ब्रिटिश रे जो ब्रिटिश रे ऑफिसटा रोला आउ से डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट रो जने मेंबर आउ कैबिनेट रो जने मेंबर ओके तो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वाज ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट एंड रिस्पांसिबली अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट तो सी इंडिया रे बसु नथिले इंडिया रे किए रहुथिले ना आमर जी कि रहिबे आमर वाइसराय रहिबे इंडिया रे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया जी कि आमर जने कैबिनेट मिनिस्टर ब्रिटिश पार्लियामेंट रे बसुथिले तो सी लंडन रे एक्चुअली बसुथिले आउ डायरेक्टली ये वाइसराय कौन करिवे जहाँ भी आमर इंडिया रे होउची एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन आमर लेजिस्लेशन कौन नौछनी सबुडा को रिपोर्ट करिवे काहाकू ना सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को रिपोर्ट करिवे ओके तो ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को हेल्प करने गोटे 15 जनिया काउंसिल बसव
मेंबर गोटे 15 जनिया काउंसिल ऑफ इंडिया रहिबो जे कि हमरो सेक्रेटरी को हमरो हेल्प करिबो टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया तो जी हमरो जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया अपॉइंटमेंट हेले तो तांकु हेल्प करिया पई गोटे 15 जनिया काउंसिल मेंबर हमरो गठन कराबो द काउंसिल वाज ए एडवाइजरी बॉडी एंड द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वाज मेड चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल सो इट कॉन्स्टिट्यूट द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इन काउंसिल एज ए बॉडी कॉर्पोरेट जो कॉर्पोरेट एंड कैपेबल ऑफ स्विंग एंड बीइंग सीड इन द इंडिया एंड इन इंग्लैंड ओके तो ये सब गुड़ाक आम थी कनक्लूजन तुम लिखिपर जे द आक्ट ऑफ 1858 तो हावेवर यहाँ कौन पर आसाला लार्जली कन्फाइंड टू इम्प्रूवमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी तो एडमिनिस्ट्रेशन रे बेटर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस करने बेटर वे रे केमी इंडिया को कंट्रोल करने आनी बाय ह्विच इंडियन गवर्नमेंट वाज टू बी सुपरभाइज एंड कंट्रोल बाय इंग्लैंड तो टोटल ब्रिटिश मैंने केमी इंडिया को बेटर वे रे कंट्रोल करेंगे और सुपरभाइज करेंगे तो से आम एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इम्प्रूवमेंट आनी ओके सो इट डिड नॉट एक्चुअली अल्टर एनी सब्सटेंशियल वे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट प्रिवेल इन इंडिया तो आग मैंने गवर्नमेंट जो भाया था तो से भाया आमर किसी चेंजेस ये आनी पारानी ओके तेणु तुम मन रख गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रे आमर कौन कौन थी ओके तो ये आम परीक्षा 10 मार्क्स पड़ी 2015 ओके ओके तेणु तुम देखियो जदि सेम जिनस जो मैंने ऑलरेडी लिखिक तुम दे जो पिला मैंने जो मैंने ओके तो से जिनस सेम जिनस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वाज इनएक्टेड इन द वेक ऑफ रिवोल्ट 1857 इट इज ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ द गुड गवर्नमेंट ऑफ इन इंडिया अबोलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टेरिटोरी एंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश क्राउन साइलेंट फीचर है जे इंडिया टू बी गवर्न बाय इन द नेम ऑफ हर माजेस्टी डेजिनेशन ऑफ द वाइस जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चेंज टू वाइस रॉय लॉर्ड कैनिंग हिज वे फास्ट वाइस रॉय अबोलिश द डुअल गवर्नमेंट ओके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंडेड द पोस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर न्यू ऑफिस गोटे क्रिएट कराव सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया जी कि आम कौन ना जे मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट है जिबे कंप्लीटली कंट्रोल करिबे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को गोटे 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट सेक्रेटरी माने सेक्रेटरी ए जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया को जो हेल्प करिया पई गोटे 15 मेंबर काउंसिल हमर तयारी करा जिबो तापर होची कोन ना कॉन्स्टिट्यूट द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इन द काउंसिल एज ए बॉडी कॉर्पोरेट कैपेबल ऑफ स्विंग एंड बीइंग सीड इन इंडिया एंड इंग्लैंड सेम जिनस ओके वाइसराय हैव टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल विथ मेंबर एज द हेड ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एज हिज ऑफिशियल एडवाइजर द वाइसराय एंड गवर्नर ऑफ वेरियस प्रोविंस टू बी अपॉइंटेड बाय क्राउन ओके इंडियन प्रिंसेस एंड चीफ वुड हैव इंडिपेंडेंट स्टेटस इफ दे एक्सेप्ट ब्रिटिश सुजरनिटी ओके दिस एक्ट मेड इंडिया एज ए डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी ओके तो आम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वाज लार्जली कन्फाइंड टू इम्प्रूवमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बाय हुईज इंडियन गवर्नमेंट वाज टू बी सुपरभाइज एंड कंट्रोल इन इंग्लैंड सो इट डिड नॉट अल्टर एनी सब्सटेंशियल वे द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट प्रिवेल इन इंडिया तो ये तुम 10 मार्क रो क्वेश्चन पे लिख पार ओके तो आउपर आम कत जो क्वेश्चन आम करवा प्रिलिम क्वेश्चन जोड़ा पड़ी ओके प्रिलिम क्वेश्चन पड़ी 2014 गोटे क्वेश्चन पड़ी 86 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन हम तुम कमेंट सेक्शन में कह 86 नंबर क्वेश्चन आंसर ओके सो व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन 1858 रे हमरा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आसला तो तार कौन मेन आमर ऑब्जेक्टिव आम कौन थी को कौ पॉइंट गुड़ाक तुम एथु कह टू डिस्क्लेम एनी इंटेंसेस इंटेंशन टू अनेक्स इंडियन स्टेट टू
प्लेस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड विथ इंडिया ओके तो कौटा एथर आंसर तुम्हें ठीक कह 2014 यूपीएससी प्रिलिम रे पड़ा सिविल सर्विस रे एटा पड़ा तो आंसर आर कौन हम 86 नंबर क्वेश्चन मुझे जोड़ा कहली तुमको हमें पढ़ले जो टॉपिकटा तो ये क्वेश्चन तुम करना ना ये आम जो आईएएस रा प्रीलिम रे क्वेश्चन टा पड़ा कौन हम तार आंसर कमेंट सेक्शन में तुम्हें कमेंट करो जे ये जो 86 नंबर रा आंसर कौन हम ए बी सी डी भितर कौटा आंसर हम डी देवाशीष डी चिरंजीत नॉलेज बी आउ कार कौन आंसर ललाटे वेरी गुड ओके तो आमर आंसर करेक्ट आंसर कौन है जो अन्वेषा ए डी संदीप डी तो जो मैंने आंसर ट्राए कर आंसर करने को मे भी भूल हो ट्राए कर आंसर करने को यूपीएससी प्रिलिम 2014 क्वेश्चन एटा आम पढ़ले बर्तमान क्वेश्चन आम करना ना से देखा ओके तो आर आंसर कौन हम ना आंसर हो आम कहले ना ना जे बर्तमान कहले टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू अनेक्सेसन ऑफ इंडियन स्टेट आम कहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स हटे दिगला डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स आउ यू डुआल गवर्नमेंट डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स सब्सिडियरी अलायंस हटे दिगला एटा कौन भी हटे दिगला ना आगु आम अनेक्सेसन कराला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पर आम कहो जे आमर फर्दर आम फ्यूचर कौन से अनेक्सेसन करूनि तो से आमर टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू अनेक्सेसन ऑफ द इंडियन स्टेट तो यहाँ ठीक अच्छे ओके नेक्स्ट हूँ कौन ना आमर सेकेंड हूँ जो आमर जो ब्रिटिश क्राउन रू आम हट जो ईस्ट इंडिया कंपनी रू पावर टा आम ब्रिटिश क्राउन को गला तुम जान ये डेफिनेटली ठीक थर्ड पॉइंट जोटा अच्छी टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड विथ इंडिया तो यहाँ हूँ कौन ना भूल कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी ही रहिलानी आउ ओके ईस्ट इंडिया कंपनी ही हटिगला तुम तो सी आउ जो इंडिया रे ट्रेड कौन कर तो टोटल आमर ईस्ट इंडिया कंपनी को हटे दिगला तेणु जहाँ भी ट्रेड जहाँ भी हम वर्तमान किए देखिबा ना क्राउन देखिबा तेणु थर्ड स्टेटमेंटा डेफिनेटली भूल टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड इन इंडिया तो ये आम किसी ईस्ट इंडिया कंपनी को हटे दिगला तेणु तार ट्रेड्र कथा ये बिल्कुल उठबन ओके तो तीन टा तुम जो काटिदेव आउ फास्ट वन आर टू ठीक हम तो आंसर हाँ एटा टी वार्डिंग तुमको देचीजे ओके तो आंसर वन भी एटा जो तुम वार्डिंग बुझा टी डिफिकल्ट तो से आम कौन करवा देखा ओके तो सिमिलरली आम कौन करवा तुमको देखे दूची ओके तो आम देखा जे नेक्स्ट आम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1900 जो 1919 तीन टा क्वेश्चन आम पड़ा ओके तो तुम्हें प्रथम यही प्रिलिम क्वेश्चन गुड़ाक आम करवा तापर मुझ तुमको वर्तमान इमीडिएटली कौन ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़ेबी ओके तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 91 नंबर क्वेश्चन तुम देख द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जोटा को आम कहे मॉन्टेगु चेल्सफॉर्म रिफॉर्म बोली तो यहाँ क्लीयरली डिफाइंड कौन सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर जुरीडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट पावर ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया एंड द वाइसराय नॉन ऑफ द अबव 2015 यूपीएससी प्रिलिम रे क्वेश्चन टा पड़ा ओके आईएएस रा प्रिलिम रे कौन एटा र आंसर हम 91 र क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन र आंसर कौन हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कौन आमर डिफाइन करूला क्लीयरली डिफाइन कौन थी मु चाहिले प्रिलिम क्वेश्चन सब करपरि कि चाहूनी जेहेतु बर्तमान आमर कौन ना आम कनसेप्ट पढ़ा तो से तुम सबकिपर ओके ललाट बी संदीप बी अन्वेषा बी एनिवन एल्स कौन आउ आंसर हम
गेस कर बी बी ओके देवास इज बी वाइल्ड गेस करो भूल हो पचे गेस करो कौन है थी वो तो करेक्ट आंसर कौन है जी वो ना बी है जी वो ए थ्री हमारा कौन है वो ना सेंट्रल रो जो सब्जेक्ट उड़ा का सेंटर देखिए वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट रो तार बजेट आउ ये उड़ा का हमारा प्रोविंस रो जो बजेट उड़ा का सेपरेट हमारा प्रोविंस करिबो तापर प्रोविंस रे तमे जानिछ जे डायरेक्ट इंट्रोड्यूस हबो जे प्रोविंस जे जो सब्जेक्ट उडा को दी भाग रे विभक्त हबो उडे ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट आ उडे रिजर्व सब्जेक्ट जोडा रिजर्व सब्जेक्ट वाइस हे आउ किंबा गवर्नर आउ तंकर एग्जीक्यूटिव काउंसिल माने करिवे ओके तो आउ जोडा को ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट रहइबो जो गवर्नर जनरल विथ एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पोंसिबल टू द लेजिस्लेचर करिवे ओके तो एटा कौन करिवो ना जुरिडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो जो डिविजन टा हमरा करिवो जे को कोडा का हमरा तार जुरिडिक्शन आसु छी सेंटर रो आ को कोडा प्रोविंशियल गवर्नमेंट रो जुरिडिक्शन आसु छी तो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 हमें जेहेतु पढ़ीबा आ गोटे क्वेश्चन हमें कर देथिबा मोंटेगू सेल्स फॉर्म रिफॉर्म प्रपोजल वाज रिलेटेड टू कौन हबार आंसर 93 क्वेश्चन नंबर जोड़ा 2016 रे पढ़ीला ता करेक्ट आंसर है जो कौन ना एटा हमर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कथा हमर कुआ हबो ओके तो एटा मॉनले जो मोंटेगू सेल्स फॉर्म रिफॉर्म जो आसीबो एटा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म तमे देखिबो जे हमर डिफरेंट हमर एडमिनिस्ट्रेशन रो रिफॉर्म पई हमर एटा हमर आसीबो ओके तो एटा हमर करेक्ट आंसर डी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हबो हमर करेक्ट आंसर ओके तो आम वर्तमान कौन करवा ना मोंटेगू सेल्स फॉर्म रिफॉर्म पढ़वा ओके तो मोंटेगू सेल्स फॉर्म रिफॉर्म आम कौन होता आम डायरेक्टली तुम्हें आग कह कौन कौन होता ये आम डिस्कशन करवा कौन कौन इम्पोर्टाट पॉइंट आमर जो मोंटेगू सेल्स फॉर्म रिफॉर्म जोटा कि आम कह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तो आम डिस्कशन करवा डुअल रूल ओके संदीप कमेंट सेक्शन में कहो देवाशीष ओके डायर की इंट्रोड्यूस ओके वेरी गुड ललाट डायर की इंट्रोड्यूस होता एंड रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ओके इंडियन काउंसिल टू बी इंक्रीज्ड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आउ कौन कौन पॉइंट आमर होता एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइड मनोरंजन महा ओके तो आम डिस्कसन करवा जे मोंटेगू सेल्स फॉर्म रिफॉर्म रे कौन कौन होता ओके
तो मॉन्टेगु चेल्सफॉर्म रिफॉर्म को हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी कहा जाए। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन नाइनटीन कहा जाए। तो मॉन्टेगु चेल्सफॉर्म रिफॉर्म और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज इंट्रोड्यूस इन 1919 ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तो आम कही जी फास्ट जहाँ ना आसो सीगले आम सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, सेकेंड जी होगा आम भाइस रॉय। ओके, तो रिकमेंडेशन ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मॉन्टेगु। ओके, तो ड्यूरिंग द आमर टेन्योर ऑफ द वाइस रॉय से समय किए थे ना चेल्सफॉर्म थे। तो तार मेन गोल कौन थी ना, गोल हूँ जे ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इन रेस्पॉन्स टू इंडियाज हेल्प इन वर्ल्ड वेयर वन। तो आम कौन कही, तो देख आम तुम बैकग्राउंड तुम देखिले कौन हम ना 1914 रु 1918 भितर आम वर्ल्ड वेयर वन हम। तो वर्ल्ड वेयर वन जेहेतु इंडिया सोल्जर मैंने पार्टिसिपेट करेंगे, तो आम कौन चाहूवा ना आमको किसी गोटे रिफर्म दि जाऊ, आमको किसी कनसेसन दि जाऊ, किंतु इमिडिएटली आमको तुम जानवे बैकड्रप कौन हम रावलट आक्ट आसो। जो रावलट आक्ट कौन हम ना विदाउट तुमको ट्रायल रे 2 वर्ष जेल दि जाऊला। ओके, तो सेटा को आम कहते गोटे आमर गोटे ब्लाक आक्ट बोली आम कह जाए। तो से रावलट आक्ट जो हम जे तुम सिविल लिबर्टी को तुम कर्व कर, तुमको कहन कि तुम भूल कौन तुमको आरेस्ट कराव 2 वर्ष जेल दिज। तो तार एग्नेस्ट आम गांधीजी प्रोटेस्ट करेंगे, ऑल इंडिया रावलट सत्याग्रह करेंगे, और ऑल इंडिया रावलट सत्याग्रह रे पंजाब रे भी आमर जिते बु प्रोटेस्ट करुवे डॉक्टर सहीबुद्दीन किचलू आउ सत्यपाल ये दुज को जो आरेस्ट कराव लोक मैंने प्रोटेस्ट करुवे। तुम्हें जाच जो पंजाब अमृतसर जालियानवाग्रे आउ जो आम जनरल डायर आसपे लोक मूँ फायरिंग करी इंडिस्क्रिमिनेटली फायरिंग करके बहुत गुड़े लोक डेथ हो जाए से जोटा को आम कहे जालियानवाग मासाक्री। ओके, तो यहीटा को मंटे को आम कही प्रिभेन्टिव मर्डर बोली भी आम कह तार रिएक्शन आम रवीन्द्रनाथ टागोर तर नाइटहुड फेर थे, शंकर नायर जी थे कि आम भाई सर एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिजाइन करदे थे, तो एमती बहुत गुड़े प्रोटेस्ट होतापर पर आम जो मॉन्टेगु चेल्सफॉर्म रिफॉर्म रे। तो जेहेतु इंडिया मैंने एत गुड़े आम कौन करते पार्टिसिपेट करते आम वर्ल्ड वॉर 1 रे, तो से ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, तो तापर यही मॉन्टेगु चेल्सफॉर्म रिफॉर्म आम आसा। तो यहाँ कौन ना आम गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कथा ये कहुच्छे, सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन कथा कहुच्छे। तो ये कहला जो आम वर्तमान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्रोविजन गुड़ाक जो आम इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 जो प्रोविजन गुड़ाक अच्छी केते इफेक्टिव वे चली एग्जामिन करने आम 10 वर्ष पर गोटे कमिशन आसो इन द फॉर्म ऑफ तुम्हें जाच साइमन कमिशन जी कि एग्जामिन कर वेदर जो रिकमेंडेशन गुड़ाक आम दि जाइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के इफेक्टिव से गुड़ाक। ओके, तो 10 वर्ष पर आसवा कथा 2 वर्ष पूर्व 1927 से कमिशन आसो। ओके, तो आर साइलेंट फीचर आम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 कौन कौन थिला, तो फास्ट है ए सेपरेट प्रियम्बुल विथ ऑब्जेक्टिव कौन रहिला ना ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। कहले आम कौन करूँ ना धीरे धीरे गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आम इंडिया इंट्रोड्यूस करूँ। ओके, तुमको इंस्टॉलमेंट आम कौन करूँ ना डिफरेंट प्रोविजन दबू आउ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आम करूँ। ओके, तापर है जे सेंट्रल लेजिस्लेचर आम कौन हम ना सेपरेट सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट जोटा परीक्षा पड़ी था यूपीएससी में आम देखे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आमर सेपरेट सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट रहा टू मेक ल। ओके, तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट आम प्रोविंस ल कर जमीक आजिका डेट में आम 3 लिस्ट अच्छी यूनियन लिस्ट कनकरेन्ट लिस्ट आउ स्टेट लिस्ट अच्छी। तो स्टेट स्टेट लिस्ट जो जोड़ाक अच्छी स्टेट ल कर, यूनियन लिस्ट जो जोड़ाक अच्छी आम यूनियन कर, कनकरेन्ट लिस्ट दुज जाक मिसे। ओके, तो सिमिलरली आम सेपरेट आम सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट रहा टू मेक ल, तेणु ये इच से स्पीयर में ल करेंगे। बाइकैमरलिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ भी परीक्षा पड़ी था लास्ट टाइम मन रख। तो आम ओपीएससी प्रिलिम रे, तो केबे आमर फास्ट बाइकैमरलिज्म आम इंट्रोड्यूस है ना आम 1919 आम इंट्रोड्यूस है कौट इंट्रोड्यूस है ना सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो बाइकैमरलिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, तो दे कैन आस्क क्वेश्चन। ओके, एंड वोट ऑन 25% ऑफ द बजेट। तापर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव रे किए किए रहिले ना वाइस रॉय जे कि आमर चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रहिले हाविंग फुल कंट्रोल ऑन द रिजर्व लिस्ट। ओके, तो तापर वाइस रॉय कर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल आम कही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 रे, तो फर्स्ट टाइम पर जो इंडियन आमर
भाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहिबे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा तो से जो ये 6 जन एक्चुअली टोटल भाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे 1909 जड़े सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा आम आड होते 1919 तो सेटा को बढ़े 3 करदे सो 3 out of 6 मेंबर ऑफ द भाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल आम इंडियन मेंबर रहिबे। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर फर्स्ट टाइम पे प्रोविंस टू मेक इट्स ओन बजेट तापर तार साइज आम बढ़े दिगला दे क्या इनिशिएट लेजिस्लेचर ओके बट द गवर्नर आसेंट इज रिक्वायर्ड ओके यहाँ आम यूनिकैमरल थिला तो आम सेंटरटा बाइकैमरल आउ प्रोविंसटा यूनिकैमरल थिला ओके। प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव रे आमर तुम्हें जानते प्रोविंस रो सब्जेक्ट गुड़ा को दि भाग में व्यक्त कराला गोटे ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट आउ गोटे रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट जोड़ा कि तुम्हें कहोजे आम जो इंपोर्टेंट सब्जेक्ट रहा जमीक रेवेन्यू रहा लॉ एंड ऑर्डर रहा डिफेन्स रहा एक्सटर्नल अफेयर रहा तो ये गुड़ाक इंपोर्टेंट प्रोविजन गोटे तो से इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट गुड़ाक ब्रिटिश मैंने हाथ रखिले तो वाइसरॉय आउ एग्जीक्यूटिव काउंसिल से कंट्रोल कला। ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट जोड़ाक आम छोटमोटिया डिपार्टमेंट जो थे कि मानने रेस्पोन्सिबल अधिक अच्छी ओके आउ तो से गुड़ाक आम कौन कराला ना आम इंडियन मान को दिगला तो जमीक एजुकेशन होगा एग्रीकल्चर होगा तुम्हें एजुकेशन एग्रीकल्चर कौन कर ना सेपरेट जो मैंने इंडियन मानकर जो काउनसिल मिनिस्टर मान को देल किंतु तुम्हें पैसा तो तुम पाखे रख ला रेवेन्यू कलेक्शनटा जो भाइसरॉय निजे रखिले जो रिजर्व सब्जेक्ट तेणु विदाउट मनी तुम कौन डेवलपमेंट कर एग्रीकल्चर आउ एजुकेशन रेणु इंडियन मानक दिगला रेस्पोन्सिबिलिटी ओके विदाउट आमर कौन है फंक्शन दिगला विदाउट आमर मनी ओके फंक्शन दिगला विदाउट एनी तुम हूँ रियल पावर तुम पावर किसी ना तुम पैसा ना कौन कर किसी करें तो से जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट गुड़ाक आम दि भाग में व्यक्त होता गोटे आम ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट यहाँ को आम डायरकी कह जाए यहाँ मन रखी ओपीएससी फिल्म अलरेडी यहाँ पढ़ी सारी डायरकी आम प्रोविंस के इंट्रोड्यूस होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम आम डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री है ओके तापर जो सेपरेट इलेक्टोरेट टू एक्सटेंड कराला क्या ना सिख है आंग्लो इंडियंस ओके इंडियन क्रिश्चियन आउ यूरोपियन एमानकु माने कौन कराला ना सेपरेट इलेक्टोरेट जोटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 19 इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 स्टार्ट होता सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम दिया सेटा फर्दर आम एक्सटेंड कर सिख इंडियन क्रिश्चियन आंग्लो इंडियन आउ यूरोपियन मानक दिज्वे राइट टू वोट टू वुमेन दिगला लिमिटेड फ्रांचाइज ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स ओके एजुकेशन आम तुमको वोट दबार कैपेसिटी दिगला ओके गोटे आमर हाई कमिश्नर टू इंडिया जो आम यूके द पोस्ट फॉर हाई कमिश्नर टू यूके आम क्रिएट करागला टू लुक आफ्टर द इंडियन ट्रेड इन यूरोप एस्टाब्लिशमेंट ऑफ आम सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमिशन आजिका डेट रे तुम जो कौन यूपीएससी तो सेतेबेले आमर कहब ना सीपीएससी बोली कहब सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमिशन तो यही सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमिशन कौन कर ना पब्लिक सर्विस एग्जाम गुड़ाक कंडक्ट करने रूल्स और रेगुलेशन तैयारी कर ओके तो एस्टाब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमिशन हम अपॉइंटमेंट ऑफ ए स्टैट्यूटरी कमिशन टू रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ दिस एक्ट आफ्टर 10 years तो 10 वर्ष पर गोटे कमिशन आसवा कथा सी एग्जामिन कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो प्रोविजन गुड़ाक अच्छी इफेक्टिव तो सहीटा आमर किए कर ना 10 वर्ष पर गोटे कमिशन आसो जोटा कि साइमन कमिशन आसी आउ सी रेकमेंडेशन कौन कर ना जो रखीच तुम डायर की रखीच प्रोविन्स से हटे दि आउ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दियो से आमर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आसवा तुम्हें देखिए प्रोविंस रु डायर की हटे कि आम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया दिज्व ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द साइमन कमिशन जोटा कि 10 वर्ष पर आसवा कथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ओके तो कंक्लूजन लिखिए द आईडिया ऑफ द रेस्पोन्सिबल गवर्नमेंट वाज ए मिरेज इन रियल ब्रिटिश वे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू पार्ट ऑफ द इंडियन प्लेड इन द पॉलिसी ऑफ द कैरट एंड स्टिक पॉलिसी द कैरट विंग द रिफर्म एंड स्टिक्स इज द राउलट एक्ट तुम जानी से समय राउलट एक्ट भी आसी ओके तो यही आमर कौन ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ओके तो आम तीन टा जो डिस्कशन कले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 जो 58 और 1919 तो सिमिलरली आम कल डिस्कसन करवा 1935-47 आउ जो रिफर्म आउ जो मुवमेंट गुड़ाक रहा जमीक आम कह एनसीएम है सीडीएम है आ क्विट इंडिया मुवमेंट है मुझे तुमको रफली फास्टली कह सो दैट कि तुम केमी मेन रे कौ भाया आंसर लिखा आ कौन कौन कंटेन्ट रहा आम डिस्कसन करवा ओके okay?
तो जेहेतु ये आम वन आवर क्लास थिला ऑलरेडी तो आम एक्सिट कर गले ओके तो से गुड़ाक आम कौन हो तुम लिखिपर ओके सो थैंक यू गाइज थैंक यू एवरीवन तो आम आज ये बंद करवा सेम टाइम आम 2:30 काली भी आम क्लास ओके सेम टाइम रे आमर क्लास रहिबो सो प्लीज गाइज जो माने इंटरेस्टेड तुम्हें जॉइन करि परिबो आमे एबे ओपीएससी रे जहाँ जहाँ क्वेश्चन पड़ी आउ जहाँ जहाँ प्रीलिम रिलेटेड जिनस आमे आज आउ कालीर तो सब मिसेक जहाँ जहाँ प्रीलिम तो 15-20 प्रीलिम क्वेश्चन आमे करिबा रिलेटेड टू ए मोमेंट ये को लेकिन प्लस आम मेन क्वेश्चन को आम करवा सो दैट कि तुम गोटे आईडिया हे जे मॉडर्न हिस्ट्री को एरिया क्वेश्चन आसूँ तो से अनुसार आम फाउंडेशन कोर्स आम जो डिटेल पढ़वा आउ ता संगे आम कौन करवा ना क्वेश्चन करवा आउ प्रीवियस ईयर प्रीलिम आज वेल आज मेन क्वेश्चन करवा तेणु मेन पॉइंट ऑफ व्यू रु ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू रु आम टोटल डिस्कशन करवा जोटा फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हे थैंक यू गाइज थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास आमर जोटा कि टुमरो एट द सेम टाइम 2:30 रे 2:30 रु 3:30 भितर आम क्लास हे मॉडर्न हिस्ट्री रो